माय नेम इज जेडन, यू आर वाचिंग जेडन ऑक्सफोर्ड सोलो। आज का स्टार विद अ वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जिस प्रकार मैंने न जाने कितने कॉइन्स बता दिए, उसी की राह में एक डीजी वाइट नाम का कॉइन है, मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए आपको इसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। जहां पर देख सकते हैं अभी जितना लो जाना था उतना यह लो है, 4.95 पर है और 4.93 इसका लो से लो गया है और 5.33 इसका आज हाई गया। मतलब आज का देखें तो लगभग 19% का इसने रिटर्न दिया है पूरा अगर माने तो, और पूरा अभी तक लॉस में आ चुका है। बिकॉज यहाँ पर मार्केट अगर आपको बताऊँ तो वापस थोड़ा थोड़ा डंप होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर अगर वापस मैं इसके इंडेक्स डाटा पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी और नीचे कुछ बातें कर लेते हैं कि इसकी कॉइन की सप्लाई वगैरह कितनी है। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम है जो लगभग 25% का बच चुका है। मार्केट डोमिनेंस है 0.05% यहाँ पर प्लस में हो चुकी है। मार्केट कैप लगभग मात्र आधे परसेंट लॉस में है। कल इसने रिटर्न दिया था लगभग 16-17% का, आज इसने रिटर्न दिया है 20% का। दो दिन का रिटर्न माने तो लगभग 36-35% का इसे रिटर्न होता है। ऑल द टाइम लो काफ ऑल द टाइम लो से लगभग देख सकते हैं 3,29,322% ऊपर आ चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है। और डीजी वर्ल्ड का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी 4,385 है। मेरे को यह कॉइन को ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसे लेने का सोच रहा हूँ। और चलो आपके लिए सामने इसको बाय भी करके बताऊँगा। इसके बारे में देख सकते हैं व्हाट इज डीजीबी, यहाँ पर कॉइन है क्या। डीजीबाइट इज एन ओपन सोर्स ब्लॉकचेन एंड असेट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। मतलब ओपन सोर्स, आपको कोई ब्लॉकचेन बनाना हो या असेट बनाना हो उसका कोई क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। डेवलपमेंट बिगन इन 2013 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा लंबा पुराना कॉइन है इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा सोच रहा हूँ। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है भाई, टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा करो, ये करो वो करो, सिंपल सी बात है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, बस इतना इसका मेन वीडियो का मोटिव था। मैं भी यहाँ पर लेने वाला हूँ, आपको बाय भी करके दिखा देता हूँ। अभी लगभग देख सकते हैं तकरीबन काफ़ी ज़्यादा नीचे आ, हो सकता है इससे और नीचे जाए लेकिन मेरे को कुछ अभी काम है तो यहां पर ही बाय कर लेते हैं। ये बाय लगभग कितने डॉलर के हैं, तकरीबन $162 है। क्वांटिटी कितना मिल रहा है, तकरीबन 2400 कुछ समथिंग मिल रहा है। तो ये डीजीबी बाय हो गए, ये बाय हो चुके हैं, ठीक है सक्सेस। तो अगर भी आपको भी लेना हो तो ले सकते हैं क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है कॉइन इसलिए मैंने आपको यह बता दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको टेलीग्राम पर भी तो सीधे ही बता सकते थे, लेकिन नहीं, इसके बारे में और भी बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, कोई भी आपको अगर चीज़ यहाँ पर क्रिएट करनी हो तो यहाँ पर आप इस पर कर सकते हैं। कोई भी ब्लॉकचेन असेट बनाना हो या फिर कोई भी क्रिएशन प्लेटफॉर्म बनाना हो और बहुत ज़्यादा लंबा पुराना कॉइन है, इसके बाद में बाइनेंस हो गया, ओकेएक्स हो गया, हुबोई ग्लोबल हो गया, अपबिट हो गया और हिट बीटीसी हो गया, बड़े बड़े एक्सचेंज पर यह लिस्ट हो चुका है। अगर इसका पूरे साल का मैं बताऊं कितना से कितना हाई और कितना से कितना लो गया है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वांटिटी की अगर बात किया जाए तो यूं नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो और बहुत ज्यादा हाई है, यो वाली बात नहीं है। और मार्केट में देख सकते हैं लगभग काफी बार इसने पंपिंग किया और बिटकॉइन जैसे जैसे ऊपर जाएगा और अभी लगभग 4 रुपए के हिसाब से चल रहा है और बहुत ज्यादा मतलब यूं हो गया हाई बिटकॉइन का, जैसे बिटकॉइन का भी चल रहा है $64,000 से अगर ऊपर चला जाता है तो ये आसानी से 7-10 रुपए का भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पर इसको लेकर रखा है। देख सकते हैं 4.98 चल रहा है और 13.54 इसका हाईएस्ट गया इस साल में और 1.32 से स्टार्ट हुआ था। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा तगड़ा पोटेंशियल वाला कॉइन है। एक कॉइन और मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया है, जाकर उसे चेक कर सकते हैं। बट उससे पहले एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, कुछ समय पहले यह साइट वहां पर चल नहीं रहा था, इसको मैं लॉग इन करके बता देता हूं। मतलब कुछ समय पहले यह साइट चल नहीं रहा था लेकिन अब इस पर वापस चीजें अवेलेबल हो गई, अगर आपको करना है तो वापस उसे जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा समझना है, इसका पूरा जो भी क्या है कैसे विड्रॉल होगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर उसे चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।